वेलकम बैक। आज हम एक स्पेस के ऊपर बना पैसेंजर्स नाम की साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में एक स्पेसशिप पृथ्वी से दूसरे प्लेनेट में जा रहा होता है और बता दूं कि स्पेसशिप का नाम द स्टारशिप अवेलिन होता है। इस स्पेसशिप के अंदर कोई भी पायलट नहीं होता क्योंकि स्पेसशिप ऑटो पायलट में होता है। इस स्पेसशिप में 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, पर वो सभी लोग एक ऐसे स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे थे जिसमें वो लोग जिंदा तो थे पर उनकी उम्र नहीं बढ़ती थी। पर तभी कुछ मीटराइट स्पेसशिप से टकरा जाता है। अब स्पेसशिप इतना ज्यादा एडवांस होता है कि वो अपने आप को ऑटो रिपेयर कर लेता है, लेकिन तभी एक स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है जिसमें से एक आदमी जागता है जिसका नाम जिम होता है। उसके नींद खुलते ही एक AI उसका वेलकम करते हुए कहती है कि वो 120 साल बाद जगा है और वो 4 महीने बाद उस नए प्लेनेट में पहुंच जाएंगे। और AI उसे ये भी बताती है कि वो तब तक स्पेसशिप के सारे फैसिलिटीज का लुत्फ उठा सकता है। अब क्योंकि जिम 120 साल बाद जागा होता है जिस वजह से वो बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो अपने केबिन में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब जिम सोकर उठता है तो उसे स्पेसशिप में उसके अलावा कोई नहीं दिखता, तो वो स्पेसशिप का कोना कोना छान मारता है पर उसके अलावा स्पेसशिप में कोई भी जागा नहीं था। फिर वो क्रू मेंबर्स के केबिन में जाने की कोशिश करता है पर वो केबिन के अंदर जा नहीं पाता है। फिर वो उदास होकर एक रूम में जाता है जहां एक AI उसे बोलता है कि तारामंडल में आपका स्वागत है और आपको यहां आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जिम AI से पूछता है कि आखिर सिर्फ वही क्यों स्लीपिंग चैम्बर से जागा है, पर इस सवाल का AI के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो फिर जिम उससे पूछता है कि उन्हें और कितना समय लगेगा नए प्लेनेट तक पहुंचने में। तो AI उसे जवाब में 90 साल बताता है और ये भी बोलता है कि पृथ्वी से वो बस 30 साल पहले निकले थे। ये सुनकर जिम घबरा जाता है और उसे समझ आता है कि वो समय से पहले ही जाग गया है। इसलिए वो AI के जरिए पृथ्वी पर मैसेज भिजवाता है कि उसका स्लीपिंग चैम्बर किसी वजह से खुल गया है और उसे उनकी मदद चाहिए ताकि वो फिर से स्लीपिंग चैम्बर में सो सके। फिर AI उसे कहता है कि आपको पृथ्वी से मदद के लिए कोई भी मैसेज आने में पूरे 55 साल लगेंगे, जिससे सुन वो उदास होकर स्पेसशिप में घूमने लगता है। तभी उसे वहाँ एक बारटेंडर दिखता है। उसे देख वो खुशी से उसके पास जाता है, पर फिर उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम आथा होता है। अब वो आथा से पूछता है कि उन्हें और कितना समय लगेगा नए ग्रह में पहुंचने के लिए। तो आथा उसे 90 साल का समय बताता है। फिर जिम उसे पूछता है कि अगर अभी भी 90 साल बाकी है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जिस पर आथा कहता है कि हाँ, आपको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अब अगले दिन जिम स्लीपिंग चैम्बर के मैनुअल पढ़कर उसे ठीक करना चाह रहा था, पर वो ठीक तो नहीं होता, पर उल्टा जिम उसके अंदर फंस जाता है और काफी कोशिश के बाद वो बाहर निकलता है। फिर वो काफी कोशिश करता है कि क्रू मेंबर्स के केबिन को खोल सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए उदास होकर वो आथा के पास चला जाता है और उसे कुछ उपाय देने के लिए बोलता है। तब आथा उसे कहता है कि अब वहाँ है जहाँ आपको नहीं होना चाहिए था, जिससे उसे ये समझ में आता है कि उसे ऐसे ही अपनी लाइफ जीना सीखना होगा। इसलिए वो स्पेसशिप के हर एक लक्जरी रूम्स को इस्तेमाल करता है और ऐसे ही वो काफी समय बिता देता है। अब क्योंकि जिम स्लीपिंग चैम्बर से बाहर था इसलिए उसका उम्र बढ़ रहा था। अब जिम पूरी तरह से टूट जाता है, इसलिए वो अपना जान देने के लिए स्पेसशिप का दरवाजा खोलने वाला होता है, पर उसके पास आत्महत्या करने के लिए उपयुक्त हिम्मत नहीं होता, इसलिए वो स्पेसशिप में वापस भागता है जहां उसके पैर बॉटल पर पड़ने से वो गिर जाता है। और जैसे वो खड़ा होता है उसे दूसरा स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की दिखता है जिसका नाम अरोड़ा होती है। अब जिम अरोड़ा की एक इंटरव्यू देखता है ताकि वो उसके बारे में और जान पाए, क्योंकि जिम को वो लड़की पसंद आ गया था। अब वो आथा के पास जाकर कहता है कि वो उस लड़की को जगाना चाहता है, पर आथा उससे कहता है कि ये तो लड़की के साथ अन्याय होगा। इसलिए जिम इसके बारे में काफी महीने सोचता है और आखिरकार अरोड़ा को उठाने का फैसला करता है। अब जिम अपना दाढ़ी बनाकर अरोड़ा के स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है और कुछ औजार के जरिए अरोड़ा का स्लीपिंग चैम्बर को खराब करके खोल देता है। अब अरोड़ा के आंख खुलने से पहले वो वहां से औजारों का बैग लेकर भाग जाता है। अब जब अरोड़ा बाकी पैसेंजर्स को खोजती है तब जिम उसके पास आकर ऐसा दिखाता है कि मानो उसे उसके बारे में कुछ पता ही न हो। अब अरोड़ा जिम से कहती है कि उसकी स्लीपिंग चैम्बर समय से पहले खुल गया है। इसे सुन जिम भी कहता है कि उसके साथ भी यही हुआ था। फिर वो जब तारामंडल वाले रूम में गए तो उन्हें पता चला कि अभी भी दूसरे प्लेनेट में पहुंचने में 89 साल लगेंगे। अब ये सुनकर अरोड़ा काफी घबरा जाती है और अपने स्लीपिंग चैम्बर में फिर से सोने जाती है।
तब जिम उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जिम उसे बहुत मुश्किल से शांत करता है और उसे बोलता है वो पिछले एक साल से कोशिश कर रहा है पर उसे कभी सफलता नहीं मिला। अब अगले दिन अरुणा फिर से स्लीपिंग चैम्बर के बारे में जानने की कोशिश करती है पर उसे भी कोई सुराग नहीं मिलता। अब अरुणा हार मानकर एक स्टोरी लिखती है जिसमें वो जागने के बाद की कहानी लिखती है। दूसरी तरफ जिम आता से कहता है कि अरुणा को जगाने की बात को राज रखे और आता भी कहता है कि वो एक जेंटलमैन है और वो इस राज को राज ही रहने देगा। फिर अरुणा और जिम स्लीपिंग चैम्बर में जाने की काफी कोशिश करते हैं पर हर बार वो नाकामयाब होते हैं। इसलिए थक हार कर वो लोग उसी जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। वो दोनों स्पेसशिप के सारे फैसिलिटीज का आनंद उठाते हैं और अब वो दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं। फिर एक दिन जिम अरोरा को डेट में ले जाता है जहां वो लोग शानदार डिनर करते हैं और दोनों स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के बाहर भी मजे करते हैं। और ऐसे ही समय बीत जाता है और अब वो दिन आता है जिस दिन अरोरा का बर्थडे होता है। अब जिम उस दिन सोच लेता है कि आज वो अरोरा को प्रपोज करेगा। वो उसके लिए एक रिंग भी लेकर आया होता है। लेकिन दूसरी तरफ आर्थर अरोड़ा को बताता है कि एक साल पहले जिम उससे मिलने के लिए बेताब था। तो अरोड़ा उससे पूछती है कि जिम उसे कैसे जानता है। तब आर्थर उसे बोल देता है कि कैसे जिम बहुत सोच विचार के बाद उसे नींद से उठा देता है। ये सुनकर अरोड़ा के आंखों में आंसू आ जाता है। फिर जब जिम बार में आता है तो अरोड़ा उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों जगाया। ये सुनकर जिम समझ जाता है कि आर्थर ने उसे सब कुछ बता दिया है और आर्थर अरोड़ा को वो राज इसलिए बताता है क्योंकि जिम ने कुछ समय पहले उससे कहा था कि अरोड़ा और उसके बीच कोई राज नहीं होगा। जिम उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है पर अरोड़ा उसकी एक बात नहीं सुनती। अरोड़ा को इतना गुस्सा आता है कि वो जिम को लिटरली पिटना शुरू कर देती है। अब ऐसे कुछ समय बीत जाता है और उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होता। परंतु एक दिन अचानक स्पेसशिप से कोई जोर से चिल्लाता है कि आखिर मेरे स्पेसशिप में पेड़ किसने लगाए। वो आवाज सुनकर जिम और अरोड़ा भागकर उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी शिप का कैप्टन होता है और उसका स्लीपिंग चैम्बर भी खराब हो जाता है। अब वो लोग स्पेसशिप के गड़बड़ी को चेक करता है जिसमें कैप्टन ये बताता है कि उसका और जिम का स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ था पर अरोड़ा का स्लीपिंग चैम्बर खराब किया गया था। कैप्टन जिम से ये पूछता है कि क्या अरोड़ा को सब कुछ पता है। तो जिम हाँ में जवाब देता है। अब कैप्टन सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि कैप्टन बहुत सालों बाद जागा था इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और वो सोने चले जाता है। अगले दिन सब मिलके स्पेसशिप चेक करते हैं और चेक करने के बाद ये पता चलता है कि ये सब 2 साल पहले किसी बड़ी चीज के टकराव से हुआ था जिसकी वजह से जिम जाग गया था और अब खराबी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे सारे लोगों के स्लीपिंग चैम्बर्स भी ऐसे ही खुल जाएंगे और नए प्लेनेट तक पहुँचते पहुँचते कोई भी जिंदा बच नहीं पाएगा। फिर अचानक कैप्टन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जिम और अरोड़ा कैप्टन को एक मेडिकल रूम के एक मशीन में डालता है जिसके बाद मशीन कैप्टन को स्कैन करती है और बताती है कि उसके पास कुछ ही समय बचा है। और ये सुनकर जिम और अरोड़ा बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। लेकिन मरने से पहले कैप्टन उन्हें अपना आईडी देता है और उन्हें कहता है कि वो लोग इस आईडी से किसी भी रूम में जा सकते हैं और उन्हें ये भी कहता है कि उन्हें ही ये खराबी ठीक करना होगा। और ये कहते ही कैप्टन की वही मौत हो जाती है। अब वो दोनों शिप की खराबी ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि शिप का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि शिप में होल हो चुका होता है और उनके पास एक ही रास्ता होता है कि उन्हें शिप के बाहर से मैं दूर खोलकर उन्हें सारी हिट को बाहर निकालना होगा। अब जिम अपना जान दांव पे लगाकर बाहर जाने का फैसला करता है। फिर जब वो मैं दूर खोलते हैं तो अंदर से बहुत ज्यादा हिट निकलता है। अब जैसे ही सारी हिट निकल जाती है तो स्पेसशिप का दरवाजा बंद हो जाता है पर प्रेशर के वजह से जिम की सुरक्षा बेल्ट टूट जाती है और वो स्पेस में उड़ने लगता है। और उससे भी बुरी बात ये थी कि उसके स्पेस सूट में छेद हो जाता है जिसके वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ये देखकर अरोड़ा उसे दूसरी स्पेस सूट पहनकर बचाने आती है। अरोड़ा उसका हाथ पकड़ने वाली होती है पर उसकी सुरक्षा बेल्ट छोटा पड़ जाता है। लेकिन किस्मत से अरोड़ा को जिम की टूटी हुई बेल्ट दिखाई देती है जिसके मदद से वो जिम को स्पेसशिप के अंदर खींच लेती है। पर जिम का हाल बहुत बुरा हो चुका होता है। तब अरोड़ा जिम को मेडिकल रूम के मशीन में डाल देती है पर मशीन उसे स्कैन करके मृत घोषित करता है। पर अरोड़ा मशीन को सारा ट्रीटमेंट एक साथ करने की कमांड देती है पर मशीन ये करने से मना करती है। तब अरोड़ा कैप्टन की आईडी से मशीन को ऑर्डर देती है और तब मशीन एक साथ सारी ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और लकीली जिम का सांस वापस आ जाता है।
ये देखकर अरुणा खुशी के मारे रोने लगती है और जिम को किस करती है। और उसे ये भी एहसास होता कि आखिर जिम को भी शिप में एक साल अकेले रहने में कैसा लगता था। अब कुछ समय बाद जिम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लेता है जिससे वो वापस स्लीपिंग चैम्बर में जा सकता है, पर वो लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर समय बीतता है और एक दिन जिम अरुणा को रिंग देकर प्रपोज करता है और अरुणा भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों अपना पूरा जीवन एक साथ बिता देते हैं। और अरुणा ये सारी चीजें अपनी डायरी में लिखती है। अब 88 साल बीत जाती है और शिप के सारे क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत सुंदर जंगल बना हुआ होता है और उन्हें वहाँ अरुणा की लिखी हुई किताब भी मिलती है जहाँ पर ये लिखा था कि जब आप लोग सो रहे थे तो यहाँ बहुत कुछ घटा था और हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी भी बिताई थी। और ऐसे ही हमारी कहानी खत्म हो जाती है।